महाराष्ट्र की जो तस्वीर इतने दिनों से धुंधली पड़ी थी आखिरकार वो साफ हो गई है। बहुमत परीक्षण जो उद्धव ठाकरे ने जीत लिया है, यानी कि महाराष्ट्र में आज से ठाकरे राज। 169 विधायकों का समर्थन यहां पर उद्धव ठाकरे को मिला और इसके साथ ही ये जो बहुमत परीक्षण 3 दिसंबर तक के लिए राज्यपाल ने वक्त दिया था वो आज ही साफ कर लिया। लेकिन इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है और इसी मसले को लेकर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास जाएंगे और इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को बिना स्पीकर के यहां पर किया गया है वो असंवैधानिक है और कोशिश की जाएगी कि राज्यपाल के समक्ष जाए और इसी के साथ बीजेपी ने वहां से वॉकआउट कर दिया। लेकिन बीजेपी के वॉकआउट के साथ साथ ही एक एक करके जितने भी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के विधायक थे सभी ने अपने नाम के साथ अपनी संख्या शुरू की और ये संख्या अंत हुई 169 पर जाके। हालांकि 170 का यहां पर दावा किया गया था तीनों गठबंधन के जरिए, तीनों दलों के जरिए यहां पर, और 162 की परेड कराई गई थी, लेकिन अंत में जो विश्वास मत हासिल हुआ, जो समर्थन मिला वो 169 का। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है और नई नवेली उद्धव ठाकरे सरकार को 288 सदस्यों वाली विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में 169 विधायकों ने समर्थन दिया जबकि 4 विधायकों ने किसी के भी पक्ष में वोट नहीं दिया। बीजेपी के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया था इसलिए वोटिंग के दौरान सरकार के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे की सरकार का विश्वास प्रस्ताव रखा था, वहीं इस प्रस्ताव का एनसीपी के नवाब मलिक और शिवसेना के सुनील प्रभु ने अनुमोदन किया। विश्वास मत प्रस्ताव के तहत पहले सभी सदस्यों से राय जानी गई और उनकी गिनती भी की गई। तो आखिरकार इतने महानाटकीय अंदाज के साथ महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और कहा कि कहीं ना कहीं शायद इन तीनों दलों के बीच में कोई तो मतभेद आएगा, लेकिन अब शायद कोई भी मतभेद फिलहाल सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मंत्रालय को लेकर यहां पर मंथन चलना है, लेकिन आज शक्ति परीक्षण विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया है जहां पर 169 विधायकों का साथ उनको मिल गया है। लेकिन इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। परसों मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों ने शपथ लेते समय अलग अलग प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया, किसी ने सोनिया जी का किया, किसी ने पवार साहब का किया, और इसके कारण जो शपथ है वो संविधान के नमूने के अनुसार नहीं हुई और इसलिए वो शपथ अवैध है और इसलिए ऐसे मंत्रियों का परिचय इस सभागृह में करना यह संविधान सम्मत नहीं है और इसलिए हमने इसका भी वहां पर निषेध किया है और यह संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा यह भी बताया है।